लुक केज और शी हल्क दोनों कहीं पर बढ़ रहे थे और वो लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड होने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते थे। यहाँ पर एक जगह देख कर वो दोनों रुक जाते हैं और लुक केज पूछता है क्या तुम्हें कुछ दिखा, तब वो कहती है नहीं, और वो पूछता है क्या तुम रेडी हो, तब वो कहती है हाँ अभी करो, और वो पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ शी हल्क को एक पंच मारता है और उस पंच के साथ आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और इतने जोरदार पंच के बाद शी हल्क बेहोश हो जाती है और उसे उठाकर लुक केज एक तरफ बढ़ने लगता है। आखिर ये हुआ क्या और आखिर ऐसा करने के लिए कहा किसने? अंडरग्राउंड एक घंटे पहले, जहाँ पर पीटर कहता है क्यों ना हम अभी उठे और फिर से फाइट बैक करें, तब सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि थॉर, हल्क, बेंजामिन यानी कि द थिंग, और तब स्पाइडरमैन कहता है लुक या फिर जेसिका। यहाँ पर वो सब लोग एक एक करके उन हीरोज के नाम ले रहे थे जो कि ये करने के लिए परफेक्ट थे, और तब स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसे जाना चाहिए। तब कैप्टन कहते हैं लेकिन जैसा कि हमें पता है वो रोबोट्स ट्रेड एक्सेप्ट करते हैं और हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके बदले वो बार्गेन कर सके। तब क्लिंट कहता है बार्गेन किसके लिए, तब कैप्टन कहते हैं कि स्पाइडरमैन उसे फिर से बताओ, तब वो कहता है कि आउल और उसके लोग एक सीधा साधा सौदा करते थे उन रोबोट्स के साथ, वो उन्हें पेमेंट्स देते थे और वो पेमेंट्स थे हम जैसे लोग। तब स्टॉर्म कहती है मेरे सवाल का किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो लोग आखिर हमारे साथ करते क्या है और उन्हें इस तबाह हुई दुनिया को चलाने में हमारी क्या जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर टोनी कहता है कि अल्ट्रॉन क्रिएट किया गया था ह्यूमन नीड्स और डिजायर्स के जरिए और वो बिलीव करता है उन सभी थॉट्स में, उन सभी इमोशंस में जो कि ह्यूमंस के पास है, जैसे कि रिवेंज, टॉर्चर, हेट और ऐसे बहुत कुछ कॉट और अनकॉटेड इलॉजिकल आइडियाज, वो सब कुछ प्रोग्राम है उसमें और वो उन्हें सिर्फ एक्ट करता है फील करने की। तो हम उसे इतना बताएंगे कि वो जीत चुका है और उसने पूरी दुनिया के साथ हमें भी पूरी तरह से मार दिया है। तो हॉकाई कहता है बस इतना ही करना है हमें कि उसे हम ये कह दे कि तुम जीत चुके हो, तो फिर क्या मैं हैंक पिम का सर पकड़कर अल्ट्रॉन को बनाने के वजह से उसे पीट सकता हूँ। तब टोनी कहता है कि वो उसका फॉल्ट नहीं है। तब क्लिंट गुस्से में कहता है अच्छा अगर ये हैंक पिम का फॉल्ट नहीं है तो अल्ट्रॉन किसका फॉल्ट है, ना ये मेरा फॉल्ट है ना तुम्हारा ना इसका ना इसका, तो ये फॉल्ट है किसका। वो गुस्से में आगे कहता है टांग तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है क्योंकि अभी भी मैंने स्पाइडी को बचाया बाहर जाकर और तुम हैंक पिम के बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हो जिसने अल्ट्रॉन को बनाया, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी कैप्टन कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि ये किसने किया, अब हमारे पास वक्त है कि हम एक प्लान बनाकर इस सब को होने से रोक सकते हैं, उसे हमें से कोई एक देना होगा। यहाँ पर हर एक हीरो अपने बारे में कह रहा था और यहाँ पर आखिरकार शी हल्क और लुक केज दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे जाने के बारे में और शी हल्क कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन लुक केज कहता है कि मेरे पास अनब्रेकेबल स्किन है और दोनों आखिरकार टाई होकर एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन टोनी बताता है कि ये पूरा प्लान नहीं है, ये आधा प्लान है और आधा प्लान तुम लोगों के बचने के बाद बनाया जाएगा। यहाँ पर शी हल्क कहती है कि यहाँ पर एक भी सेकंड जाया करना बिल्कुल ठीक नहीं है और वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी लुक केज कहता है तो ठीक है मैं वो बनूंगा जो तुम्हें सेल करेगा। यहाँ पर तभी वुल्वरीन कहता है लेकिन मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड के लिए अच्छा हूँ। तब हॉकाई कहता है तुमने अपना पैर देखा है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। तब वुल्वरीन कहता है 3 दिनों पहले तो ये था ही नहीं और ये पूरी तरह से ठीक है तो मुझे जाने दो। लेकिन कैप्टन अमेरिका कहते हैं वुल्वरीन तुम्हारा एडमेंटियम लेस्ड बोन्स जो कि अनब्रेकेबल है वो ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे है, लेकिन अल्ट्रॉन का फ्रेम उसी मटेरियल से बना है और इस वजह से तुम्हारा एडमेंटियम उसे चाहिए होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो देखते वक्त ही तुम्हें ना मार दे। और तभी टोनी उसकी बात पर सहमति जताता है। तब वुल्वरीन सर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम लोग अभी भी एक बात पर राजी हुए, इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया का अंत है। यहाँ पर प्लान बन चुका था और शी हल्क कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी और लुक मुझे पीट कर उनके पास ले जाएगा और जितनी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं हम उतनी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर वो पूछते हैं कि अगर हम बच गए तो हम मिलेंगे कहाँ पर, तब कैप्टन कहते हैं कि तुम हमें किसी और पॉइंट पर मिलोगे और वो और पॉइंट था म्यूटेड विलेज सैवेज लैंड में, क्योंकि कैप्टन के हिसाब से वहाँ पर और ज्यादा वेजिटेशन और सप्लाईज मिल सकते थे यहाँ के बदले, जिस वजह से हम यहाँ से बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन अभी भी कैप्टन और टोनी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर वो लोग इस सबसे सर्वाइव कैसे करेंगे।
लोग शेल को लेकर निकल चुका था और थोड़ी देर जाने के बाद उसे अल्ट्रॉन बॉट्स मिल जाते हैं और वो कहता है कि मेरे पास हल्के और मैं यहाँ पर सौदा करने आया हूँ। शिकागो, जहाँ पर कोई बायनोक्युलर से देख रहा था कि एयर की पोजीशन क्या है, तभी कोई कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। तब वो जवाब देता है कि अभी नहीं ब्लैक पैंथर, मैं अभी बिजी हूँ। और तब हम देखते हैं कि रेड हल्क, टास्क मास्टर और ब्लैक पैंथर एक जगह छुप कर किसी की निगरानी कर रहे थे। और तभी टास्क मास्टर को 1.2 माइल्स पर कुछ दिखता है और वो रेड हल्क को भेज कर वहाँ पर उस अल्ट्रॉन पॉट के सर को तोड़कर वापस आने के लिए कहता है। और जैसे ही रेडल वापस आता है तभी अल्ट्रॉन बॉट्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन रेडल उस सर को ब्लैक पैंथर की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। और रेडल उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन बॉट्स उस पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं, जिस वजह से ब्लैक पैंथर और टास्क मास्टर के हाथ से वो अल्ट्रॉन का सिर निकल जाता है। और टास्क मास्टर मौके का फायदा उठाकर उस सिर को पकड़कर ब्लैक पैंथर को वही बेहोश छोड़कर भाग निकलता है। न्यूयॉर्क, जहाँ पर उनके सीक्रेट हाइडआउट या फिर मेन हाइडआउट पर अल्ट्रॉन बॉट्स ल्यूक केज को ले आए थे और वो उसे अंदर ले जाते हैं। और जैसे ही ल्यूक केज अंदर पहुंचता है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अल्ट्रॉन नहीं है। तब हम देखते हैं विजन को जो कहता है कि ल्यूक केज तुम्हारे पास क्या ऑफर है। और तब हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन अब विजन के बॉडी के थ्रू सबसे बात कर रहा था।